સાથે જ હવે આગળ આપણી સાથે HSIL એ તેના ત્રીજા ત્રિમાસિકના પરિણામ રજૂ કર્યા છે અને કંપનીના નફાના આવક બંનેમાં આપણને એક વધારો થતો દેખાયો છે. આ પરિણામ પર વધુ વાત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના પ્રેસિડેન્ટ RB કાબરા જોડાઈ રહ્યા છે. કાબરા સાહેબ, કિસ તરહ સે દેખ રહે આપ ઇસ ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ કો, જો ગ્રોથ હમને આતી હુઈ દેખીએ, ક્યા વો આને વાલે દિનો મેં ભી સસ્ટેન રહેગી? થેન્ક યુ વેરી મચ. ये जो इस क्वार्टर में हम लोगों का जो ग्रोथ रहा है ओवरऑल कंपनी का, वो 8% करीब रहा है. और हमारे दो बिजनेस डिवीजन है, एक बिल्डिंग प्रोडक्ट है, एक पैकेजिंग प्रोडक्ट है. बिल्डिंग प्रोडक्ट हमारा जो कोर बिजनेस है, उसमें हमारी ग्रोथ 17% रही है. पैकेजिंग प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं रही है, क्योंकि जो कंज्यूमर बिजनेस है, बिकॉज पैकेजिंग इज यूज्ड जहां पे हमारा कंजम्पशन होता है, वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है. बिकॉज आपको पता ही है कि कंजम्पशन बहुत पुअर है कंट्री में इस वक्त सब चीजों का. बट आने वाले टाइम में हम लोगों को उम्मीद है कि बिजनेस बिल्कुल बराबर ग्रो करेगा. हमने बिल्डिंग प्रोडक्ट के लिए हमने जो एनुअल प्लान दिया था, कि नंबर बताया था कि 13-15% ग्रोथ करेंगे, वो ग्रोथ रहेगी. और पैकेजिंग में भी आने वाले टाइम में ग्रोथ रहेगी. और आपने देखा होगा कि इतना डिफिकल्ट मार्केट है और इंडस्ट्री के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, बट ऐसे खराब टाइम में भी हम लोगों ने हमारे मार्जिन को प्रोटेक्ट किया है. और PBT हम लोगों का करीब करीब 32% इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ग्रो हुआ है. और नेट प्रॉफिट करीब 22% बड़ा है. और उसका जो रीजन नेट प्रॉफिट थोड़ा कम ग्रो होने का है, वो कि हमारा जो टैक्स है वो इस बार थोड़ा प्रोविजन ज्यादा है ऑन दी डेफर टैक्स, जो हमारा सरचार्ज बढ़ गया उसकी वजह से. और एक चीज जो अच्छी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ जो हमारा बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में रहेगी, कि हमने जो नए कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, गीजर्स जो हम वाटर हीटर भी बोलते हैं, जो हमने यूरोप के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके लॉन्च किया था लास्ट ईयर सितंबर में, मार्केट में उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है. और इन दिस बहुत छोटे पीरियड में हम लोगों ने 5% मार्केट शेयर जो ऑर्गेनाइज्ड वाटर गीजर्स का है उसको हम लोगों ने गेन किया है. और जो हमने एयर प्यूरिफायर, बिकॉज एयर की क्वालिटी बड़े सिटीज में स्पेशली लाइक दिल्ली मुंबई बहुत खराब है, और लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होगी कि लंग लोगों के खराब हो रहे हैं. तो एक नया प्रोडक्ट सेगमेंट जो वाटर एयर प्यूरिफायर का है, वो हम उसमें गए हैं. वो हमने अभी दिसंबर में लॉन्च किया है, उसका भी मार्केट रिसेप्शन बहुत अच्छा है. और कुछ और प्रोडक्ट हम लोग आने वाले टाइम में ये कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम लोग लॉन्च करेंगे. तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमारी ग्रोथ बराबर रहेगी और मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेगी. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया काबरा साहब यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. तो यहाँ अपने अत्यारे HSIL नाम